इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा के घर पर कन्या के जन्म होने पर बधाई देने वालों का लगा तांता। पूरे घर को फूल और गुब्बारों से सजाया गया। अशोक अरोड़ा का कहना है कि कन्या के जन्म की खुशी के चलते घर को सजाया गया है। उन्होंने दादा बनने पर खुशी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस तरह लड़का शादी करके दुल्हन को लेकर घर आता है और उसका स्वागत किया जाता है, ठीक उसी तरह उनके घर भी तीसरी कन्या ने जन्म लिया है, जिसके चलते उन्हें बेहद खुशी है, क्योंकि आज के समय में बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मी का घर पर आने पर दिल से स्वागत है। पूरे घर में खुशी का माहौल है। कुरुक्षेत्र आवास पर बधाई देने आए कार्यकर्ताओं को अशोक अरोड़ा ने मिठाई खिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बहुत खुशी की बात है, हमारे घर में भगवान ने एक तीसरी पीढ़ी को जन्म दिया है, उन्होंने उसका स्वागत किया है। अच्छा है, हम तो हमेशा से यही कहते हैं कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं, लक्ष्मी आई है उसका स्वागत है, और जिन लोगों ने हमें शुभकामनाएं दी उनका धन्यवाद है। तो बच्चों को स्वागत तो करना चाहिए, नया कोई भी सदस्य घर में आया उसका स्वागत करना चाहिए, तो उसका स्वागत किया। हम लड़के को ब्याह के लिए आते हैं, बहू को भी स्वागत करते हैं, इसलिए बेटी का भी स्वागत किया।